Hey awesome people, welcome to my channel. Smart money concept सीखना चाहते हो तो आइए डिस्कस करते हैं. 31 जुलाई को आज अगर मेरे सेशन को देखें, दिस इज़ द बैंक निफ्टी सेशन. और ये जो कैंडल्स है इस पर मैंने जो एस्पेक्ट रेशियो है वो फिक्स कर दिया है ताकि हम बायस ना हो जाए पहले से ही. सो ये लाल लाल जो पॉइंट्स है ये दिखा रहे हैं लोअर लोज एंड लोअर हाइज, एंड येलो पॉइंट्स दिखा रहे हैं हायर हाइज एंड हायर हाइज. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ एंड किस पॉइंट के बाद लोगों ने बाइंग स्टार्ट किया. सो दोस्तों पहले हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू 1 मिनट कि जिससे हम लोग कहाँ कहाँ पे एंट्रीज बना सकते थे और कैसे कैसे हो सकता था आज का काम. सो दोस्तों इसको फॉलो करिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है. सो दोस्तों ये कल का अगर आप देखोगे तो कल के मूव में कल 2:30 बजे के अराउंड में एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था. कैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था ध्यान से देख लो. यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस इज़ माई वैलिड पुल बैक, ठीक है. वैलिड पुल बैक के बाद हम लोग नीचे आए और एक कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग किया, ठीक है. तो दिस इज अ व्हाट आई कॉल अ चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH. चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि लगभग नीचे एक पोजीशंस बनती है जहां ऑर्डर ब्लॉक्स पे पोजीशन बनती है, ठीक है. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स, है ना. तो ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही पोजीशन बन रही है दोस्तों. एंड ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे हम लोग जैसे ही नीचे आए तो एक पोजीशन बनाया है लोगों ने, ठीक है. और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाने लगे हैं लोग. सो दोस्तों ये वाली जो रेड, ये जो ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, ये 1445 वाला जो कैंडल है ना, इसने क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है. तो इसका जो टेस्ट है वो होना ज़रूरी है. तो देखिए ये टेस्ट हुआ भी है और टेस्ट कैसे हुआ है, यहाँ पर आकर के मार्केट ये नीचे आया, इसको टेस्ट किया और वापस से फिर ऊपर भागने लगा, ठीक है. और हम लोग जो क्लोजिंग दिए हैं लगभग कल 1520 पे ये लास्ट कैंडल जो है यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है. तो आज जैसे ही मॉर्निंग सेशन खुला है तो वो गैप अप खुला, थोड़ा सा गैप अप कितना पॉइंट्स खुला है, गैप अप खुला ये हम लोग का आज 1800 पॉइंट्स गैप अप खुला एंड देन उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आई. तो ये बड़ी सी रेड कैंडल ये नहीं बता रही है कि अभी हम लोग सेलिंग की तरफ बढ़ गए हैं, ठीक है. ये बड़ी कैंडल ये नहीं बता रही है हमको कभी भी कि अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया है, अचानक से लोग सेलिंग कर रहे हैं. बहुत लोगों ने ये अंदाज लगा लिया था क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि आज हम लोग जो है ये वाली पॉइंट से सेल होना स्टार्ट हुए हैं तो हम लोग कंटिन्यूस सेल होते जाएंगे. लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यू कम्प्लीटली ऐसा नहीं था. मैं एकदम मान के चल रहा था कि क्योंकि हम लोग बहुत नीचे से उठ रहे हैं. अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर इसमें दिखाऊं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ये जो मैं ब्लू वाला ऑर्डर ब्लॉक खींचा हो ना, ये पीछे से मैं एक लाया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है. इस पोजिशन पर लोगों ने अलग से पोजिशन बनाया था. कैसे मैं पता लगा पाया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दो डबल बॉटम्स ऐसे बने हैं, ठीक है. और ये एक मूव था जो हल्का सेलिंग यहाँ पे आने की कोशिश किया था मार्केट, लेकिन आ नहीं पाया. एक सेलिंग मूव है और यहाँ डबल बॉटम बना है. तो इस तरह की चीज़ें जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो दिस इज़ अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक. और यहाँ पे अगर आज आप देखोगे तो मार्केट जब उठने लगा है एक बड़े से फॉल के बाद भी, जो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट किए थे इतना बड़ा फॉल, वो यहीं पर थमने वाला था, ठीक है. तो ये जो 1000 पॉइंट का फॉल आया है यहीं तक के लिए था, ठीक है. अब हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं. साइडवेज मूवमेंट देखने के बाद फिर हम लोग वापस से उठ सकते हैं. तो हमारा व्यू अभी यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है. लेकिन हाँ, मिल भी सकता है अगर वहाँ पे एक्यूमुलेशन प्रॉपर हो जाए तो. कुछ एक्यूमुलेशन चाहिए लेकिन इस जगह पे, ठीक है. अभी जैसे कट प्रेजेंट सिनेरियो दिख रहा है तो ये सब जगह पे फ्रेश पोजीशंस जो हैं वापस से बन रही हैं. तो कहीं ना कहीं मार्केट इन सब पोजीशंस पे वापस आकर के वापस उठ सकता है फ्रेश पोजीशंस बनाने के तरह पे, ठीक है. तो क्या ठीक है, ये सब तो मैं हम लोग समझते रहेंगे. अभी हम लोग मैं जो बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि ये दिस रेड कैंडल, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है, इसे ये मत समझ लीजिएगा कि हम लोग जो है सेलिंग की तरफ बढ़ गए हैं, ठीक है ना. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. तो ये मेरा ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, इसको जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो मेरा जो है हायर हाई कन्फर्म हुआ. सॉरी, हायर हाई अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, ठीक है. ये आपका हायर हाई, ये हायर लो अभी तक है, ठीक है. इसके ऊपर क्लोजिंग दी है. अब हमको इंड्यूसमेंट चाहिए था, जो कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट मतलब हो गया पुल बैक. तो कोई भी पुल बैक यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि लास्ट जो यहाँ पे पुल बैक था ये वाला सेलिंग मूव है. इसके नीचे अभी तक कोई कैंडल नहीं आया तो हम लोग को मेरा पुल बैक मिला नहीं है, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं. इंड्यूसमेंट नहीं मिला तो हम लोग आगे बढ़ने लगे. आगे बढ़ के यहाँ पे इसका क्लोजिंग दिए और सी दिस इज़ द वैलिड पुल बैक. ऊपर गए फिर इसके नीचे यहाँ पे आए तो दिस इज़ द वैलिड इंड्यूसमेंट और इसको हम लोग हायर हाई मार्क किए, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे मार्क करते हैं. फिलहाल तो अभी ये जानते हैं कि आज क्यों जनरली हम लोग देखते हैं मार्केट में लोगों को कि जब भी ये रेड कैंडल बड़ी बनती है तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट लोग इसको बोलते हैं
और ऊपर जाने के बाद लोग इसको कंटिन्यूस सेल के तरफ गिराने लगते हैं अगर कोई वैल्यू एरिया हाई पे हम लोग पहुँच जाते हैं तो। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज हम लोग ऊपर गए हैं और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा सेल होने के बाद में मार्केट रेज होने लगा है। कैसे? तो दोस्तों यही चीज़ सबसे बड़ा पहचानने वाला चीज़ है जहाँ पे हम लोग का सेल हो सकता है और हम लोग को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो दोस्तों मेरा व्यू आज क्या था यहाँ पे, जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँच के इसके क्लोजिंग दे दिए हैं इसके ऊपर ना, मैं कहीं ना कहीं इस बात पे हो गया था कि हमको आज उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं मिलने वाला है, सो मैं बाइंग की तरफ का प्लान कर रहा था। सो दोस्तों जो मैं यहाँ पे देख पा रहा था, अगर मुझे सेलिंग करनी थी तो मुझे इस पॉइंट के नीचे एक कैंडल क्लोज करता, एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता, उसके बाद मैं किसी पर्टिकुलर ऊपर में किसी एक जोन पे इसको सेलिंग का प्लान कर सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे, हम लोग जब 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से 1 मिनट पे लोगों ने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया और कैसे यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हो सकता था। दैट इज़ अ वेरी वैलिड एंट्री, ठीक है। फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर को भी देख ले रहे हैं, हम लोग ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो, इसको मार्क किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज ऑफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर वापस से नीचे आ गया, तो हम लोग इसको लाइट येलो किए हैं, उसके बाद फिर हम लोग हायर आई मार्क करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये वाला हायर आई हुआ मेरा, ये इंड्यूसमेंट था। खैर ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं एक सेपरेट क्लास में आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। आज का मेरा बस यही था कि जब रेड कैंडल जब हम लोग को दिखे तो हम लोग को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे तो सेलिंग इनिशिएट करेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे सेलर्स लोग ट्रैप हो रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे होगे, तो अगर हम लोग एस्पेक्ट रेशियो को अपना फिक्स रखते हैं ना, तो हम लोग को क्या मिलता है कि ग्रीन कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखिए काफ़ी ज़्यादा है। मैं इनिशिएटिव सेलिंग और वीक सेलिंग पे या फिर वीक बाइंग और इनिशिएटिव बाइंग पे एक अलग सा लेसन बनाया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो कि यही हम लोग को समझा रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों फिर हम लोग को यहाँ से बाइंग मिला है, थोड़ा सा रेंज वाइज मूवमेंट हुआ है। आइए हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे दोस्तों आज हमको जैसे जब ये कैंडल रेड कैंडल बना था, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्रॉपर बाइंग आया, ठीक है, जो वैलिड बाइंग हम चाहते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में मार्क किया था, यहाँ से बाइंग आया है। ये देखिए जब तक नीचे आ रहा है तो नीचे मार्केट ने ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ध्यान देने वाला बात यही है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल, इसके ऊपर किसने क्लोजिंग दिया? इस वाली ग्रीन कैंडल ने, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये आपका 9:25 की जो ग्रीन कैंडल है उसने। तो 9:25 का जो कैंडल है इसका लो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो देखिए ऊपर जाने के बाद इसका लो टेस्ट हुआ भी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही डबल बॉटम बुल फ्लैग बना, लोगों ने इसको वापस से बाय करने का कोशिश किया। तो एक मेरे को बात था कि यहाँ पे 50% के समय पे सेलिंग आ सकता है, तो 50% पे मैं मार्क किया था, 50% में मार्क पे जैसे ही किया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक सेल मूव देखने को मिला, बट दीज ऑल ग्रैब द लिक्विडिटी, लोगों ने कहीं पे यहाँ पे पोजिशंस बनाए थे। अगर इसके नीचे एक अच्छा लाल कैंडल क्लोजिंग देता और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता तो हम लोग सेल का प्लान कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब दैट इज़ इंडिकेटिंग कि बाइंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, लोग उसको सेल की तरफ प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग धीरे धीरे इसको ऊपर उठाने लगे, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे बीच में देख रहे होंगे आप, ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेल मूव आया है, बहुत लोगों ने इससे सोचा कि सेलिंग ये कंटिन्यू होगा, लेकिन ये सेलिंग मूव जस्ट यहाँ पे एक आया था ताकि यहाँ पे बाइंग लोग इनिशिएट कर सके। दिस इज अनबैलेंस गैप, ठीक है, ये वाली गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। दोस्तों यही वाली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत दिनों के बाद मुझे भी समझ आया, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आया था, एंड जैसे ये गैप फिल हुआ है मार्केट बूम्ड है ना। और ऐसे ही गैप मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे वैसे ही गैप बना, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया, और जब इस लाल कैंडल के ये रेड कैंडल के ऊपर मार्केट आज जब क्लोज किया, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी लिलीपुट कैंडल्स में लोगों ने पोजिशंस बनाया, तो ये लाल कैंडल जो थी इस लिलीपुट कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दिया है। और आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाली ब्लू जो ये वाली जो येलो जोन खींचा हूँ, यहाँ पे मार्केट वापस से आया है बाइंग करने के लिए। तो ये सब रेंज वाइज मूवमेंट था, ठीक है, ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट में जहाँ पे बाइंग का प्लान हो सकता है, और एक लास्ट में होता है, बाकी सब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। सो ये दो जगह पे हम लोग बाइंग प्लान कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमको मिला नहीं जिससे हम लोग बाय कर सकें, कोई अच्छा कैंडल क्लोज नहीं हुआ या फिर सिंगल कैंडल स्वीप भी नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोग को एक बाइंग का जब पोजीशन मिला है, तो आप देखोगे कि ये वाली जो रेड ब्लू ग्रीन कैंडल है इसने ये लाल कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग दिया, उसके बाद हम लोग नीचे इसका भी एसएल कराया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, और ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे कंफर्म बता दी कि अब हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है।
सो दोस्तों दिस इज़ द बाइंग कैंडल, यहाँ पे बाइंग हो सकता था आज, ठीक है, सो वेरी गुड बाइंग। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आज एक गैप बनाए हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर उठने लगे, हम लोग हायर आइज हायर लो मार्क किए, थोड़ा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, दो बार यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। देन सी यहाँ पे भी एक गैप रह गया है जहाँ पे मार्केट आके वापस से बाय हुआ। और कल के लिए क्या प्लान है कि मार्केट नीचे यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से फिर बाइंग इनिशिएट हो सकता है जब हम लोग प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे तो, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह पे हम लोग को ध्यान देना है, एंटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ दिखे ना सेलिंग के नहीं सोचेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा से हम लोग अच्छी जोन से उठ रहे हैं। एक सेलिंग कहीं ना कहीं हम लोग को कल 45,785 से देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें भी अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और काफ़ी अगर बाइंग स्ट्रेंथ रही तो वो नहीं मिलेगी। अभी भी आप कैंडल्स को देख रहे होगे तो ग्रीन कैंडल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। रेड कैंडल जब जब ब्रीफ ब्रीफ आ रहा है लोग अचानक फिर से उसको बाय कर रहे हैं, सो दीज आर ऑल इंडिकेशंस कि बाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट में, ठीक है। सो गाइज अभी 1-2 दिन हम लोग को थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। सो दोस्तों ऐसे ही बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। हम लोग रोज ऐसी वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू।